डियर स्टूडेंट्स, अपना पहला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर ख़त्म हो चुका था। अब दूसरा चैप्टर है एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन जो है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होती है जेड, उस जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फंक्शन या मैपिंग होती है उसे हम बोलते हैं, जेड की एफ मैपिंग है तो उसे बोलते हैं एफ जेड। ये जो एफ जेड है, ये पहले क्लियर ये हो जाए कि एफ जेड है क्या, एफ जेड किसके बराबर होता है, उसके बाद हम ये दिखाएंगे कि एफ जेड फंक्शन ऑफ जेड एज ए एफ जेड है, जिसे डब्ल्यू से भी डिनोट करते हैं, वो हमारा कब एनालिटिक होगा और कब एनालिटिक नहीं होगा। तो एनालिटिक फंक्शन पर पहुंचने से पहले हमें ये जानना होगा कि फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता क्या है। अभी तक आपने सीखा है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड, उसी जेड का जो फंक्शन बनके या मैपिंग बनके तैयार होती है वो हमारा कहलाता है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड। जो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है जेड का, उसे हम एफ जेड कहते हैं, और एफ जेड की जो वैल्यू है, एफ जेड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और डब्ल्यू की वैल्यू होती है यू कैजुअल आई वाई, जिस तरीके से जेड की वैल्यू होती है एक्स कैजुअल आई वाई, उसी तरह से डब्ल्यू भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। बस फर्क इतना है कि जेड वेरिएबल होता है, जबकि जो डब्ल्यू बराबर एफ जेड है वो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है। तो जो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है वो भी हमारी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, चाहे डब्ल्यू कहिए चाहे एफ जेड कहिए, बिकॉज डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, वेयर यू एंड बी बोथ आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई। एक बात और देखनी होगी कि जो फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच एक मैपिंग होती है, जिस मैपिंग का जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो डोमेन एलिमेंट होता है, और जबकि एफ जेड या डब्ल्यू कहिए वो हमारा कोडोमेन एलिमेंट होता है। तो हम आपका शुरू करने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अभी तक पढ़ा था कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। लिख लीजिए पहले तो चैप्टर, दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम लिख लीजिए एनालिटिक फंक्शंस। इस पे पहुंचने से पहले हमें फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जानना होगा क्या होता है। बड़ा सावधानी से हमने बता दिया है, वो या बना भी देंगे अभी, मैपिंग किस प्रकार से है, कौन किसका एलिमेंट है। इफ जेड इज इक्वल टू एक्स कैजुअल आई वाई, अभी भी कुछ लोग बंद नहीं कर रहे हैं इसको, प्लस ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर को कभी जोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए हम इसको एडिशन न कह के एज ए कम्बिनेशन एज ए कैजुअल पढ़ा जाता है, तो इसे आप बोलेंगे कैजुअल, और जेड बार की जो वैल्यू होगी उसे आप बोला करें एक्स कैजुअल कंजुगेट आई वाई। तो इफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये आपकी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। क्या है ये? है आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड का जो फंक्शन बनेगा उसे हम डिनोट करेंगे एफ जेड से। देखते हैं
तो इफ जेड इज इक्वल टू एक्स कैजुअल आई वाई इज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, लिखते भी जाए कोमा लगा के लिखें, देन ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, देन ए कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमने ये भी तो कहा है कि जो W बराबर एफ जेड है या एफ जेड बराबर जो W कहते हैं, W भी तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, तो एक तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो गया खुद Z, और एक Z का जो फंक्शन बनता है वो भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है, देन ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, देन ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल W इज सेट टू बी, इज सेट टू बी ए फंक्शन ऑफ, ए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल Z, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल Z। तो कुल मिला के क्या बात निकल के आई कि Z तो हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है ही है, और इस Z का जो फंक्शन बनता है जिसे हम फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहें तो FZ लिखा जाएगा, वो FZ भी एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। तो क्या कहा मैंने, इफ Z इज इक्वल टू X कैजुअल आई वाई इज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, देन ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल W इज सेट टू बी ए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल Z इफ फॉर एवरी वैल्यू ऑफ Z, इफ फॉर एवरी वैल्यू ऑफ Z, इफ फॉर एवरी वैल्यू ऑफ Z इन ए डोमेन, डोमेन मीन्स रीजन, इन ए डोमेन D, कोमा लगा के लिखें कि देयर करस्पोंड, देयर करस्पोंड्स, देयर करस्पोंड्स वन और मोर देन वन, वन और मोर देन वन, एक या एक से अधिक करस्पोंड होते हैं, वन और मोर देन वन वैल्यू ऑफ जेड, वैल्यू ऑफ डब्लू, वैल्यू ऑफ डब्लू। क्या निष्कर्ष निकला, वन और मोर देन वैल्यू ऑफ जेड, इसका मतलब हुआ एफ कोई हमारी मैपिंग है सच दैट जेड टू डब्लू, डब्लू और एफ जेड, क्यों, ये पहले ही कह चुके हैं कि ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डब्लू इज सेट टू बी, W जो है वो इज सेट टू बी ए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल Z का फंक्शन, तो एफ जेड बना। दूसरा, या ऐसे भी कह सकते हैं कि इस हमारा ये है डोमेन, क्या है डोमेन, और ये है कोडोमेन, या ये कहिए डोमेन ये है रेंज, ये है डोमेन ये है कोडोमेन, या ये कहिए ये डोमेन है ये इसकी इमेज है। तो एक बात बताइए कि हम इस सेट का एलिमेंट अगर जेड लेते हैं तो उस जेड की एफ इमेज एफ जेड होगी कि नहीं, उसी एफ जेड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो लिखा है उसी एफ जेड को इन्होंने कहा है डब्लू से। तो क्या निष्कर्ष निकला कि एफ कोई मैपिंग या फंक्शन, इन्होंने कहा फंक्शन ऑफ, आप कह सकते हैं मैपिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड,
तो एफ हमारी कोई मैपिंग है जेड टू डब्लू पर, और डब्लू को ही हम क्या लिख सकते हैं, इस जेड एलिमेंट की एफ इमेज, तो डब्लू लिखिए या एफ जेड लिखिए। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ सच दैट ये हमारा डब्लू है, डब्लू को हम ऑर्डर्ड पेयर में कहते हैं एक्स कॉमा वाई बिंदु, तो एक्स वाई टू, और सुनिए इस बात को, डब्लू बराबर एफ जेड बराबर होता है अथवा यू कैजुअल आई बी। जो डब्लू है एक हमारा फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, जो डब्लू जो क्या है, डब्लू है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, और जो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है एफ जेड उसे हम डब्लू लिखते हैं, और जैसे जेड की वैल्यू आप एक्स कैजुअल आई बाई लिखते हैं तैसे ही डब्लू भी एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। तो ये जो डब्लू की फॉर्म है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है डब्लू की वो है यू कैजुअल आई आई बी, तो हम इसको यू कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस एक्स वाई की इमेज क्या है, एक्स वाई की जो इमेज है वो यू भी है और वी भी है, इसलिए हम कह देते हैं यू को भी कहेंगे तो भी कहेंगे फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और जब बी को कहेंगे तो भी कहेंगे फंक्शन ऑफ एक्स वाई। कैसे, क्योंकि इसको हम कहें कि यू की वो एक्स वाई की एफ इमेज क्या है यू, और एक्स वाई की एफ इमेज क्या है वी, और दोनों को मिला के कहें तो एक्स वाई का मतलब जेड, यू वी का मतलब डब्लू, तो जेड की एफ इमेज का मतलब जो एफ जेड है वो है डब्लू, ऐसे मैपिंग हो गया ये। तो यहीं से हमारा कह देते हैं कि यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, हमारा क्या लिखेंगे यहीं पर, दिस इंप्लाई दैट जो एफ सच दैट एक्स कोमा वाई टू मैपिंग है यू वी पर, तो हमारा क्या हुआ कि एक्स वाई की एफ इमेज या एफ वन कह लो इमेज, दो अलग अलग लिखेंगे तो इंप्लाई दैट यहां से या ऐसे कहिए यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और एंड और जो बी है वो भी है हमारा फंक्शन ऑफ एक्स वाई। आगे चल के हम ए को एफ वन कह देंगे, क्यों, यू बी के मान जो होंगे वो एक्स वाई के पदों में तो होंगे, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि दोनों एक्स वाई के मान बराबर ही होंगे, फंक्शन ऑफ एक्स वाई तो दोनों होंगे लेकिन उनके एक्स वाई के मानों में जो अंतर होगा, तो जब अंतर हुआ करेगा तो हम एक को फलन एफ वन तो दूसरे को एफ टू कह दिया करेंगे। तो मैं क्या लिख रहा था कि इफ जेड इज इक्वल टू एक्स कैजुअल आई वाई इज ए फंक्शन ऑफ इज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, देन ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एक दूसरा भी होता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, हम जिसे डब्लू से डिनोट करते हैं वो इज सेट टू बी, जो डब्लू से डिनोट करते हैं, जेड तो जेड है लेकिन जो डब्लू से कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को डिनोट कर रहे हैं वो जेड नहीं, इस जेड का फलन है, लिखा है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल तो हो गया जेड। और अगर पूरी ले ले लाइन के फंक्शन ऑफ वेरिएबल क्या है तो आप कहेंगे एफ जेड, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, इसको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, साफ साफ लिख लीजिए इसको, जो मैं समझा रहा था वो लाइनें मैंने हटा दी है, ये इस तरीके से है। आगे लिखें नई लाइन से, लिख लीजिए इसको, तो कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है जेड, और फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहते हैं तो एफ जेड, एफ जेड का मतलब हुआ फलन ऑफ जेड, और फलन ऑफ जेड है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, वो भी एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है, तो उस एफ जेड को हम डिनोट कर लेते हैं डब्लू से, और डब्लू जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है
उसको हमने डिनोट कर दिया है यू कैजुअल आई बी से, जैसे जेड को डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जेड को जेड इज इक्वल टू कहते हैं एक्स कैजुअल आई वाई, तैसे ही जेड का फलन जो एफ जेड बराबर डब्लू हुआ उस डब्लू को डिनोट कर देते हैं यू प्लस यू कैजुअल आई बी। नई लाइन से लिखें, देयरफॉर डब्लू इज ए फंक्शन ऑफ, देयरफॉर डब्लू इज ए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड और इज डिनोटेड बाई कैसे डिनोट करते हैं कि ये जो W है वो W बराबर W इज ए क्या है, देयर फोर W इज ए, तो W इज इक्वल टू इज ए का मतलब इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड। जेड तो खुद है कॉम्प्लेक्स नंबर और उस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का फंक्शन, तो फंक्शन का मतलब एफ हो गया और किसका फंक्शन, जेड का, तो फंक्शन ऑफ जेड, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ जेड। और डब्ल्यू एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम यू कैजुअल आई बी से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया फंक्शन ऑफ जेड, इसलिए इसको अब लिख सकते हैं यू कैजुअल आई बी इज इक्वल टू W बराबर एफ जेड बराबर यू प्लस आई बी, अभी बता रहा हूं, तो ये हमारा बराबर लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ और जेड का मतलब एक्स कैजुअल आई वाई, तो ये बना हमारा यू कैजुअल आई बी इज यू कल टू, और इसे ऑर्डर्ड पेयर में लिखें तो फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो कहने का मतलब देयरफॉर U and V, therefore लिख ही रहे हैं, therefore U and V, जैसे Z होता है एक्स वाई का फलन, तैसे ही U और V हमारे क्या हैं, therefore U and V both are functions of X and Y, and hence W is given by, and hence W is given by, W बराबर फाइनल पोजीशन लिखी जा रही है, W क्या है फंक्शन ऑफ Z, तो यहां कहेंगे Z क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, Z क्या है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, तो एफ जेड क्या है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को किससे डिनोट करते हैं W से, और W क्या है ए कॉम्प्लेक्स नंबर, W जो ए कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको किससे डिनोट करते हैं, तो आप कहेंगे U X Y कैजुअल I B X Y, क्यों U and V both are functions of X and Y, U भी X Y का फलन है, U भी जैसे W को हम U प्लस आई U कैजुअल I भी लिखते हैं, ये तो U V की शॉर्ट फॉर्म है, और आखिर U V है क्या, ये फाइनल फॉर्म क्लियर कर दिया यहां पर कि जो U था वो एज ए भेयर, जहां लिख सकते हैं कि U इंप्लाइज दैट फंक्शन ऑफ एक्स वाई, U एक्स वाई और एंड V जो है वो इंप्लाइज दैट दर्शाता है V एक्स वाई है, तो जो U लिखते थे वही तो U एक्स वाई है, और कैजुअल I लिखा हुआ है कैजुअल I, और जहां B लिखा था वही हमारा V एक्स वाई है,
तो यहां से हमारा क्या हुआ, अब हेडिंग क्या थी, फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, और जेड को एफ जेड अगर लिख दें तो हो गया फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को किससे डिनोट करते हैं, तो आप कहेंगे डब्ल्यू से, और कहें कि डब्ल्यू की फिर वैल्यू क्या होती है बराबर, तो कह दोगे यू कैजुअल आई वी या यू एक्स वाई कैजुअल आई वी एक्स वाई, बिकॉज U and V both are function of X and Y। ये हमारी हुई परिभाषा इसकी। अब लिखिए सिंगल वैल्यूड एंड मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन, समझ गए होंगे, इतनी सी बात थी, तमाशा बन गया। Z क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, तो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होगा, एफ जेड। इसको काय से डिनोट करते हैं कि डब्ल्यू से, और डब्ल्यू बराबर क्या होता है, यू कैजुअल आई वी, या हम इसे क्या लिख सकते हैं, यू एक्स वाई कैजुअल आई वी एक्स वाई, खोल के लिखते तो ये होगा यू वी के मान। इतनी सी बात थी, यू है जेड है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, तो उस जेड की इमेज मैपिंग के हिसाब से कहें तो उसकी एफ इमेज एफ जेड बनेगी जो डब्ल्यू के बराबर है, तो जेड हो गया कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और एफ जेड हो गया फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। यही फंक्शन ऑफ जेड जो है, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड जिसे हम एफ जेड कहते हैं, इसी एफ जेड को हम आगे चल के क्लियर करेंगे कि ये एफ जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन है अथवा नहीं। दूसरी हेडिंग है इसकी, सिंगल वैल्यूड फंक्शन और मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं, और इसमें एक बात आई थी कि जो एफ जेड होता है, जेड की इमेज जो एफ जेड है, वो एफ जेड में अभी एक परिभाषा हम पीछे शब्द आया था वन और मोर देन वन। तो एक बात बताइए, हमारे पास जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस जेड से हम एफ जेड कोई फलन बना दें, तो फलन तो हमारे बहुत बन सकते हैं, जेड प्लस वन, जेड माइनस वन, और जेड प्लस टू आई, और जेड माइनस थ्री आई, ये रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, ऐसे भी बनेंगे। ये हो गए सिंगल वैल्यूड फंक्शन, क्यों, अभी तो सिंगल वैल्यूड पे बात मत करिए, एफ जेड जो फलन है वो हमारे क्या कहते हैं, वन और मोर। तो कहने का मतलब अगर एक घाती है तो जेड का मान यहां से एक निकलेगा, तो ये हो गया वन, और मोर की बात करें तो जेड स्क्वायर प्लस वन, जेड स्क्वायर प्लस वन, जेड स्क्वायर प्लस थ्री, ऐसे फंक्शन लिख दें तो मोर देन वन हो गए, क्यू में है तो वो भी मोर देन में हो गए। तो कहने का मतलब वन और मोर, जबकि क्या था, एफ सच दैट जो लिखा था जेड और टू एफ जेड, तो कहने का मतलब है कि यहां जो जेड है वो केवल सिंगल एलिमेंट होता है, क्या होता है, सिंगल एलिमेंट है, ये जो जेड है वो जेड है हमारा, वो सिंगल एलिमेंट है, और इस जेड के द्वारा जो फंक्शन ऑफ जेड बनेंगे वो एक घाती भी हो सकता है, दो घाती भी हो सकता है, तीन घाती भी इमेज हो सकती है। अगर इस जेड की इमेज एक घाती है तो एक से एक मिलेगा वन, वन टू वन, और एक से अधिक जेड स्क्वायर में है तो इधर दो मान मिलेंगे, जबकि जेड हमारा सिंगल वैल्यू है, और जबकि उसकी जो इमेज है एफ जेड वो एक से अधिक मान भी दे सकती है। इसलिए इसमें लिखा था कि जो करस्पॉन्ड्स होता है, मैपिंग होती है जेड की जो इमेज है, वो इमेज एलिमेंट एफ जेड के जो कितने एलिमेंट होंगे वो वन और मोर, एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं, इमेज के एक से या एक से अधिक हो सकते हैं एफ जेड की वैल्यू, लेकिन जेड सिंगल वैल्यू होगी, ये शब्द इसमें आया था। अब आगे लिखिए सिंगल वैल्यूड फंक्शन, सिंगल वैल्यूड
एंड मल्टीपल वैल्यूड सिंगल वैल्यूड एंड मल्टीपल वैल्यूड फंक्शंस। देखिए सिंगल वैल्यूड और मल्टीपल वैल्यूड क्या है, हमने इधर अभी हम मिटा देंगे इसको, समझा रहे हैं, हमने अभी W बराबर एफ जेड कहा, ठीक है, कह सकते हैं कि जेड हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, जेड है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जेड तो है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, और पूरा एफ जेड बोले तो है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, और जो एफ जेड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है वो बराबर है डब्ल्यू के, ठीक है। अब ये जो डब्ल्यू है वो सिंगल वैल्यू रखे, क्या रखे पहले समझा दूं तब लिखा दूंगा, ये जो डब्ल्यू है या डब्ल्यू है या एफ जेड है, एफ जेड कोई फलन ऑफ जेड है, और फलन एफ जेड को बराबर जीरो कर दें तो जेड का मान निकल के आएगा, तो यदि जेड का एक मान निकल के आता है तो कह देंगे सिंगल वैल्यूड फंक्शन, और एफ जेड द्विघाती त्रिघाती ऐसा कुछ है तो दो या दो से अधिक मान भी निकलेंगे, एफ जेड बराबर जीरो कर दें तो वो इक्वेशन बनेगी बराबर जीरो, तो जेड के मान एक से अधिक भी निकलेंगे, तो एक से अधिक निकले उसे कहते हैं मोर देन वन या मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। तो निष्कर्ष क्या निकला, सिंगल वैल्यूड और मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन का निष्कर्ष ये निकला कि डब्ल्यू हैज सिंगल वैल्यू तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन, और डब्ल्यू हैज मोर देन वन वैल्यूज तो कहेंगे मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। डब्ल्यू एक मान रखता है तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है ये डब्ल्यू, और एक से अधिक मान रखता है तो इसे कहेंगे मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। और देखना अभी मैं लिखा रहा हूं तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि जेड कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है जिसका फंक्शन लिखें तो एफ जेड कहलाता है, जो बराबर डब्ल्यू के होता है तो उसे फंक्शन ऑफ जेड को फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहते हैं, और जो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एफ जेड बराबर डब्ल्यू के है वो डब्ल्यू अगर सिंगल वैल्यू रखता है तो हो गया सिंगल वैल्यूड फंक्शन, और एक से अधिक वैल्यू रखता है तो उसे कहेंगे मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। अब लिख लीजिए इस भाषा में कैसे लिखेंगे इसको, इफ डब्ल्यू टेक्स हैज या टेक्स, इफ डब्ल्यू टेक्स लेता है या रखता है, डब्ल्यू टेक्स ओनली वन वैल्यू, देखो आ गई बात, ओनली वन या सिंगल, ओनली वन वैल्यू, ओनली वन वैल्यू फॉर विच, ये ओनली वन वैल्यू रखता है फॉर विच कब, जबकि जेड तो हमारा है डोमेन एलिमेंट, वन वैल्यू फॉर विच W takes only one value for each, for each value of Z, value of Z or in a domain D, in a domain, in a domain टी, डोमेन टी का एलिमेंट जेड है, और उस जेड के द्वारा जो एफ जेड या डब्ल्यू बनेगा, जेड तो हमारी सिंगल वैल्यू है, उस सिंगल वैल्यू से, और डब्ल्यू जो है टेक्स माने रखता है जेड के द्वारा, जेड कोई एलिमेंट है, उस जेड के द्वारा जो हमारा फलन ऑफ जेड या डब्ल्यू बनेगा वो डब्ल्यू टेक्स ओनली वन वैल्यू, वो एक वैल्यू यदि रखता है फॉर ईच, प्रत्येक के लिए, जेड का कोई भी मान क्यों न हो, फॉर ईच वैल्यू ऑफ जेड इन ए डोमेन डी, कॉमा लगा के लिखें, देन डब्ल्यू इज कॉल्ड,
कॉमा लगा के लिखें, देन समझ में आ गया होगा, जेड के प्रत्येक मान के लिए डब्लू टेक्स ओनली वन वैल्यू, सिंगल वैल्यू रखे तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे, देन देन डब्लू इज कॉल्ड कॉल्ड ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ जेड, फंक्शन ऑफ जेड। अब नई लाइन से लिखें कि इफ इफ देयर करस्पॉन्ड्स, अच्छा करस्पॉन्ड क्या हो गया, एफ जेड, जेड का करस्पॉन्ड्स क्या है, एफ जेड, जेड का करस्पॉन्ड्स है एफ जेड, और एफ जेड को ही डब्ल्यू कह दिया, या कह सकते हो डब्ल्यू बराबर एफ जेड टेक्स, कैसे भी कह लो। आगे नई लाइन से लिखें, इफ देयर करस्पॉन्ड्स corresponds if their corresponds two or more than two, आ गई बात, अगर हमारा only one value रखता है तो single valued, और two or more than two, दो या दो से अधिक, two or more than two or more than two values of w, more than टू वैल्यूज ऑफ डब्लू, डब्लू का एक ही मान रखता है डब्लू जेड के प्रत्येक मान के लिए तो सिंगल वैल्यूड, और जो जो डब्लू दो एक से अधिक, दो या दो से अधिक रखता है तो हम उसी जेड डोमेन, वो ही वैल्यू ऑफ जेड इन ए डोमेन डी के लिए, तो हम कह देंगे मल्टीपल वैल्यूड। कुल मिला के ये हुआ कि एफ जेड बराबर जो डब्लू है वो जेड के प्रत्येक मान के लिए, जेड के प्रत्येक मान के लिए डब्लू बराबर एफ जेड एक वैल्यू रखता है तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन, और उसी जेड के प्रत्येक मान के लिए, जेड का मान कुछ भी ले सकते हैं, और उस जेड का मान कुछ लेने से और जो एफ जेड का निकल के आए वो एक से अधिक, दो या दो से भी अधिक, टू और मोर वैल्यू अगर रखता है तो हमारा मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन कहलाता है। वैल्यूज टू और मोर देन टू, वैल्यूज ऑफ डब्लू डब्लू क्या देखा था, वैल्यूज ऑफ डब्लू फॉर ईच वैल्यू ऑफ जेड, फॉर ईच वैल्यू ऑफ जेड इन ए डोमेन डी, डोमेन डी, देन डब्ल्यू इज कॉल्ड, डोमेन डी के बाद कॉमा लगा के लिखें, देन डब्ल्यू इज कॉल्ड, अब क्या कहलाएगा डब्ल्यू इज कॉल्ड, मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू इज कॉल्ड मल्टीपल वैल्यूड मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। समझ गए होंगे, जेड के प्रत्येक मान के लिए एफ जेड अगर एक मान रखता है तो सिंगल वैल्यूड, और जेड के प्रत्येक मान के लिए वो जेड का मान किसी डोमेन किसी रीजन डी में है, डी कोई डोमेन है जिसमें जेड का कोई मान है, कुछ कुछ मान है उनमें से, कुछ में से प्रत्येक मतलब सब के सब, एक नहीं उसमें डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उस उन ईच मींस प्रत्येक कोई भी ले सकते हैं, ईच वैल्यू ऑफ जेड, जेड का कोई भी मान क्यों न ले लें उस डोमेन डी का, उस जेड के मान पर डब्ल्यू का मान या एफ जेड का मान निकालें, और अगर वो एक वैल्यू निकल के आती है तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे, और एक से अधिक निकल के आती है तो मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। शायद समझ में आ गया होगा। आगे लिखिए लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अभी तक जो तुमने लिमिट पढ़ी थी वो फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल थे, लेकिन अब जो चलेगा वो है लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल।
पहला हो गया फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है, दूसरा हो गया सिंगल वैल्यूड मल्टीपल वैल्यूड क्या होता है फंक्शन, और तीसरी हेडिंग है लिमिट, लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ, लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। समझिए बात को, लेट डब्ल्यू बराबर एफ जेड, अब यही लिखा करेंगे लेट डब्ल्यू बराबर एफ जेड, क्या बोलोगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बोलोगे एफ जेड को, इस W को कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बोलोगे कि फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, अरे दिख नहीं रहा, W बराबर जब एफ जेड लिखा है तो W क्या है, Z तो है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और W क्या है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, तो लेट W बराबर एफ जेड इज ए फंक्शन ऑफ, इज ए, अब इसकी लिमिट निकाल रहे हैं, इज ए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड इन, किसमें है ये, इन बाउंडेड एंड क्लोज डोमेन डी, बाउंडेड एंड क्लोज्ड, बाउंडेड और क्लोज की तो मैंने बहुत अच्छी तरह से सेकंड ईयर में समझाया था, बाउंडेड क्या होता है क्लोज क्या होता है, बाउंडेड एंड क्लोज्ड डोमेन डी, डोमेन डी, देन एफ जेड हैज ए लिमिट एल, फुल स्टॉप के बाद लिखें, देन एफ जेड हैज ए लिमिट एल, अब जो देखो जो लिमिट एल एफ जेड की लिमिट एल किस पर है, किस पर है, एट द पॉइंट जेड बराबर है, लिमिट एल यूं लिखिए लिमिट एल और एट द पॉइंट, वही तो मैं कह रहा था लिमिट निकालेंगे तो किसी पॉइंट पे निकलेगी, एफ जेड की लिमिट जेड टेंस टू ए पर निकालें वो एल है, ये संकेत है। अब कैसे लिखेंगे इसकी परिभाषा लिमिट के रूप में, एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट जेड बराबर ए, पॉइंट जेड बराबर ए, इफ फॉर एनी पॉजिटिव नंबर, इफ फॉर एनी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन चूजन आर्बिट्रेरी, इसको चुन लिया चूजन आर्बिट्रेरी स्वैच्छिक अपनी मर्जी से, और बहुत वेरी स्मॉल क्वांटिटी है और वो भी पॉजिटिव, आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन तो ये हमारी कैसी है चूजन वैल्यू है और डेल्टा एग्जिस्ट वैल्यू होती है, एप्सिलॉन चूजन आर्बिट्रेरी और देयर एग्जिस्ट ए नंबर आर्बिट्रेरी, उसके बाद लिखें देयर एग्जिस्ट ए नंबर डेल्टा और वो भी ग्रेटर देन जीरो है और ये भी पॉजिटिव है, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट क्या है, लेट डब्ल्यू बराबर एफ जेड इज ए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड, और वो भी जेड कैसा है इन बाउंड, कहां पर है ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड पॉइंट, जेड पॉइंट कहां है, इन ए बाउंडेड एंड क्लोज डोमेन डी, बाउंडेड और क्लोज डोमेन कोई क्षेत्र है डी, देन एफ जेड हैज ए लिमिट एल एट द पॉइंट
z इज इक्वल टू a इफ फॉर एनी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन चोजन आर्बिट्री, इसको चुन लिया गया है, और देयर एग्जिस्ट, ये अपने आप लागू होती है, एग्जिस्ट ए नंबर डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, और दोनों ही वेरी स्मॉल है और दोनों ही ग्रेटर देन जीरो होती है, या जो कहिए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी सच दैट, माने किस प्रकार से हो, मॉडुलस ऑफ एफ जेड माइनस एल का मान लेस देन एप्सिलॉन हो, तो अगर हमारी ये कंडीशन फॉलो कर जाए, एप्सिलॉन वेरी स्मॉल क्वांटिटी है और उससे भी छोटे मान ये हैं, तो कैसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए जेड बराबर ए, कहां कहा था जेड बराबर ए है, कहां था जेड बराबर ए, जेड बराबर ए, जेड बराबर ए, हमने कुछ ये नहीं लिया, जेड बराबर ए पॉइंट है और ये यहां पर कोई स्मॉल एप्सिलॉन नजदीक ही है, बिल्कुल कोई वैल्यू हमने एप्सिलॉन ले ली है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है कोई, और जेड बराबर ए पॉइंट ये है, और जेड बराबर ए पॉइंट पर लिमिट एल है, तो एल अगर लिमिट है तो एप्सिलॉन से छोटा, अगर तब कह सकते हैं कि इसके अंदर, अब हम प्रत्येक बिंदु इसका निकल के आएगा तो वो हमारा यही कहीं होंगे, ऐसा झुंड सा बन जाएगा इसी के ऊपर, वेरी स्मॉल एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, तो जेड बराबर ए जो आपका बिंदु है ये वाला, उसी के पास रहेंगे, क्या एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी यहाँ है, तो ये भी तो हमारा मॉडुलस डिस्टेंस ही होता है, तो z बराबर a पर निकालें, fz की लिमिट l है तो वो एप्सिलॉन से छोटी है, तो किसी बिंदु पर इसके इसके किसी नेबरहुड पर निकालें तो वो यहीं के यहीं आते रहेंगे, दूर को नहीं जा सकते, क्यों, एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन तो आपका यहां था, उससे छोटा, या जो कहिए z बराबर a पॉइंट पर ही हो गया, जैसे कहते नहीं कौन साइड पॉइंट होते हैं, वो इतना नजदीक है, जैसे मऊक जैसा छत्ता यहां पर बन जाएगा पॉइंटों का, तो हमारा क्या कहलाएगा, तब कहेंगे L इज द लिमिट ऑफ एफ जेड एट जेड टेंस टू ए, ये कहेंगे अगर इस नियम को फॉलो करता है, मॉडुलस ऑफ एफ जेड माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जेड, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जेड, ही तो मैंने कहा था जेड बराबर ए तो है ही, और इसके नेबरहुड बनेंगे ए प्लस एप्सिलॉन ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस टू एप्सिलॉन ए माइनस टू एप्सिलॉन, और वो सब के सब जेड बराबर ए पॉइंट है, तो इसके जो नेबरहुड हुए तो उनको कहेंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जेड, नेबरहुड वैल्यूज ऑफ जेड जो होंगे तो वो एप्सिलॉन जो डिस्टेंस है उसके अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं जा सकते, मतलब लेस देन उससे छोटा होना चाहिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, फॉर ऑल वैल्यू, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जेड, जेड के प्रत्येक मान के लिए ये हो, तो एल हमारी लिमिट कहलाती है, और फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जेड फॉर विच, फॉर ऑल हटा दो इसे, यहां पर इतना लिख लिया, फॉर ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ जेड फॉर विच किसके लिए, जेड माइनस ए, जेड बराबर ए है तो ए इधर लाएंगे, तो जेड माइनस ए बराबर जीरो, तो जेड माइनस ए जो हमारी वैल्यू है उसका मॉडुलस लेस देन तो रहना चाहिए इस डेल्टा के, लेस देन तो होना चाहिए डेल्टा के, और ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो से, इसके बीच में पॉइंट काम करे, फलन वैल्यू तो ये है एफ जेड पर फलन की लिमिट निकली है एल, जो कि एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए, और वो भी जेड बराबर ए कहें, जेड बराबर ए कहें तो जेड माइनस ए बराबर जीरो, तो जो जेड माइनस ए वैल्यू जो है हमारी अभी उधर ले जाते माइनस जेड हो जाएगा, इसलिए मॉडुलस लगा देते हैं उसका मान, जो आपने वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी ली है उस पॉजिटिव क्वांटिटी से तो लेस देन होना चाहिए और इसका मान जीरो से बड़ा होना चाहिए 10। अब परिभाषा क्लियर हो गई होगी शायद, 10 एल इज लिमिट ऑफ 10, इस प्रकार अगर इस नियम को फॉलो करता है 10 एल इज लिमिट ऑफ फंक्शन एफ जेड,
एल इज लिमिट ऑफ फंक्शन एफ जेड, और वो भी कह दो एट जेड बराबर ए पर, एट जेड बराबर ए पर लिमिट ऑफ फंक्शन ए। दस एल इज लिमिट ऑफ फंक्शन एफ जेड एट जेड बराबर ए पर इज रिटन एज, कैसे लिखी जाएगी, कैसे लिखी जाएगी रिटन एज, कैसे लिखेंगे इसको सूत्र के रूप में, कि लिमिट जेड टेंस टू ए और एफ जेड बराबर एल, ये मैंने पढ़ाया था। ये हमारी क्या थी एफ जेड, जो ये लिखी है बात वही बात ये लिखी है, केवल फॉर्मेट अलग है, लिखने का तरीका अलग है। तो जेड टेंस टू ए पर लिमिट जेड टेंस टू ए पर एफ जेड की लिमिट जेड टेंस टू ए पर निकालें तो वो एल है, वो इसी बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ एफ जेड और माइनस एल का जो मॉडुलस है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जेड फॉर विच जेड माइनस ए का मॉडुलस लेस देन डेल्टा और ग्रेटर देन जीरो, लिमिट हो गया। आगे लिखिए कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब कंटिन्यूटी में क्या होगा मालूम है, ये तो आपको मैंने लिमिट निकालना सिखा दिया, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की लिमिट निकालना सिखा दिया कि लिमिट एफ जेड टेंस टू ए और एफ जेड का मान बराबर किसके है एल के है, और इसकी लिमिट आपकी एल आई है और इसकी फंक्शनल वैल्यू और एल आ जाए देन वी कैन से एफ जेड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो एफ जेड है वो इज कंटिन्यूस कहलाएगा। कब, जब लिमिट जेड टेंस टू ए जेड टेंस टू ए पर निकालें एफ जेड की लिमिट एल आए तो उसी जेड का मान ए रखने पर उसकी फलन वैल्यू एफ जेड की जो है वो भी एल निकल के आ जाए, और ये एल क्या है एग्जिस्ट वैल्यू, या जो कहिए फाइनाइट वैल्यू, एग्जिस्ट वैल्यू निकल के फाइनाइट वैल्यू निकल के आ जाए तो हम इसको लिमिट कहते हैं। लिमिट एग्जिस्ट, फाइनाइट भी आ सकती है और इनफाइनाइट भी आ सकती है, लिमिट फाइनाइट भी होती है लिमिट इनफाइनाइट भी होती है, एग्जिस्ट होनी चाहिए मतलब निकलनी चाहिए। तो ये हमारा क्या है, अभी हमने लिमिट बताया और अब कहें कि यही एफ जेड फंक्शन जो है फलन ऑफ जेड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो एफ जेड है वो कंटिन्यूस कब होता है, तो आप कह देंगे लिमिट ऑफ ए फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट जेड टेंस टू या जेड बराबर ए पर। तो लिखिए हेडिंग कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कंटिन्यूटी क्या होती है शॉर्ट में लिखने, क्या लिख लीजिए शॉर्ट में, जेड टेंस टू जेड जीरो पर लेट, थोड़ा लिख लो लेट एफ जेड डब्ल्यू बराबर एफ जेड बी ए फंक्शन ऑफ बी ए फंक्शन ऑफ ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल वेरिएबल जेड, लेट डब्ल्यू बराबर एफ जेड बी ए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड इन दी बाउंडेड क्लोज्ड डोमेन डी, इन दी बाउंडेड, चलो लिखे दे रहे हैं बाउंडेड क्लोज्ड डोमेन डी, क्लोज्ड डोमेन डी डी देन then
एफ जेड इज सेट टू बी, पहली शर्त है एफ जेड कंटिन्यूस, हम तब कह पाएंगे फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को कहते हैं एफ जेड, वो एफ जेड हमारा कंटिन्यूटी कहिए या कंटिन्यूस कहिए, कंटिन्यूटी तो घटना हो गई कंटिन्यूस होने की, तो वो कंटिन्यूस होगा कब, जब W बराबर एफ जेड भी ये फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z है वो किसमें हो, इन दी बाउंडेड क्लोज्ड डोमेन D में होना चाहिए, देन एफ जेड इज सेट टू बी, इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस एन यू ओ यू एस कंटिन्यूस एट, देन एफ जेड इज सेट टू बी कंटिन्यूस एट द पॉइंट जेड इज इक्वल टू जेड जीरो, जेड बराबर जेड जीरो और बिलोंग्स टू डी कंटिन्यूस कहलाएगा, इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, इफ गिवन लिख लो यहां, ये गिवन होती है और डेल्टा एग्जिस्ट वैल्यू होती है, ये गिवन, इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो और देयर एग्जिस्ट कहिए या देयर करस्पॉन्ड्स कहिए, देयर एग्जिस्ट ठीक है, ई एक्स आई एस टी एस, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट, माने इस प्रकार से हो कि, किस प्रकार से हो, क्या कहा है, लेट डब्ल्यू बराबर एफ जेड बी ए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड और वो भी इन द बाउंडेड क्लोज डोमेन डी, देन एफ जेड इज सेट टू बी कंटिन्यूस एट द पॉइंट जेड इक्वल टू जेड जीरो और जो जेड इक्वल टू जेड जीरो है वो बिलोंग करना चाहिए उसी डोमेन डी में, और इफ डोमेन डी और इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट, माने इस प्रकार से हो कि एफ जेड मॉडुलस ऑफ एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो, मॉडुलस ऑफ एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो लेस देन एप्सिलॉन और एंड, यहीं पर लिख लो उसको भी पॉइंट को भी, ये तो हो गई फंक्शनल वैल्यू और पॉइंट को लिखें तो कैसे लिखेंगे, एंड मॉडुलस ऑफ जेड माइनस, ये है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स और ये होती है डिस्टेंस बिटवीन फंक्शन, क्योंकि मॉडुलस को डिस्टेंस कहते हैं और दोनों को घटा दें तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये है दो फलनों के बीच की दूरी, तो दो फलनों के बीच की दूरी जो है उसका मॉडुलस तो एप्सिलॉन से छोटा हो एंड, और दो जो पॉइंट हैं जेड टेस्ट टू जेड, जेड और जेड जीरो पॉइंट हैं उनके बीच की दूरी लेस देन डेल्टा, इसके बीच की दूरी लेस देन डेल्टा हो, दस फ्रॉम डेफिनेशन, यह जगह ये छोड़िए इस बात को, अथवा कह लीजिए और माने अथवा, इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट थ्योरी लिखने की क्या इतनी जरूरत है, लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड, मतलब एफ जेड की जेड टेंस टू जेड जीरो पर लिमिट निकाली जाए और वो भी लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ जेड, ये हमारी हो गई लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ जेड एट जेड टेंस टू जेड जीरो और ये हो गई एफ जेड जीरो इसकी फंक्शनल वैल्यू इसके बराबर आ जाए, तो यहां कह सकते हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन, लिमिट ऑफ ए फंक्शन इज इक्वल टू आ जाए किसके, फंक्शनल वैल्यू के, देन वी कैन से गिवन फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल या जो कहिए एफ जेड या डब्ल्यू इज कंटिन्यूस कहलाएगा, ये क्लियर हो गया होगा कंटिन्यूटी, अब हम कल जो है आपका शुरू करेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, दो हेडिंग और करने के बाद अपने टॉपिक पे आ जाएंगे एनालिटिक फंक्शन, तो आज आपने क्या पाया, जेड क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, फंक्शन ऑफ जेड क्या है, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है तो डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू है फंक्शन ऑफ जेड या जो कहिए जेड की इमेज मैपिंग के हिसाब से, ये हो गया
एफ जेड बराबर डब्ल्यू, और एफ जेड बराबर डब्ल्यू है वो काय के होता है, U कैजुअल आई बी के, जहाँ U और B क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, वेयर U इज इक्वल टू U एक्स वाई और V इज इक्वल टू B एक्स वाई, ये पढ़ा था। उसके बाद आपने पढ़ा सिंगल वैल्यूड फंक्शन और मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। तो कोई डोमेन D है उसमें Z के प्रत्येक मान के लिए एफ जेड या डब्ल्यू कहिए, उसकी जो इमेज है W या फंक्शन ऑफ Z, अगर वो एक वैल्यू रखता है, एक वैल्यू रखता है या एक वैल्यू उसके पास निकल के आती है, तो कहते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन, और एक से अधिक, दो या दो से भी अधिक, टू और मोर आ जाए, तो कहते हैं मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। और उसके बाद था अगली हेडिंग थी क्या, ये हो गया, ये हो गया, और लिमिट ऑफ ए फंक्शन। तो लिमिट z टेंस टू a पर एफ जेड का मान आ गया, और लिमिट ऑफ ए फंक्शन बराबर आ जाए उसकी फंक्शनल वैल्यू के, तो हम कह देते हैं कि एफ जेड जो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एफ जेड और इक्वल टू w जो है वो हमारा कंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है। अब कल चलेगा डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहिए या कॉम्प्लेक्स फंक्शन कह दीजिए, और उसके बाद है आपका एनालिटिक फंक्शन, उस पर आ जाएंगे, ठीक है।